अध्यक्ष पद चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। पृथ्वीराज चौहान ने पार्टी के सामने रखी कौन सी शर्त। अशोक गहलोत की किस बात से चौहान को है नाराजगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। राहुल गांधी इस रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं। ऐसे में ये तय है कि इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गैर गांधी ही होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस G23 समूह के सदस्य पृथ्वीराज चौहान ने भी अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। G23 कांग्रेस नेताओं का वह समूह है जो पार्टी में लगातार सुधार की मांग कर रहा था। चौहान ने कहा कि G23 समूह की मुख्य मांगें पूरी हो गई है। G23 ने आंतरिक चुनाव और पूर्णकालिक नेतृत्व की मांग की थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वह पूरी हो गई है, लेकिन पार्टी के नए अध्यक्ष को पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए और उसे लोगों से खुलकर मिलना चाहिए। राहुल गांधी के चुनाव ना लड़ने पर चौहान ने कहा कि अगर राहुल गांधी आज भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह फॉर्म भरते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें अभी भी जारी है। इस पर उन्होंने कहा कि वह इस बात पर अडिग थे। मुझे नहीं पता कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा था कि राहुल गांधी दिखावा कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि हम कभी भी एक परिवार के खिलाफ नहीं थे, यह बकवास है। हम केवल यही चाहते हैं कि पार्टी का जो भी अध्यक्ष बने वह चुनाव के जरिए बने और लोगों से मिलने के लिए उपलब्ध रहें। सोनिया गांधी ने इन दोनों मांगों को मान लिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस में 22 सालों के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। अगर गहलोत चुनाव जीत जाते हैं तो पार्टी को 2 दशक से ज्यादा समय के बाद गैर गांधी चीफ मिलेगा। वहीं खबरें ये भी है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद चुनाव जीतने के बाद भी राजस्थान के सीएम बने रहना चाहते हैं। इस पर चौहान ने कहा कि वह वरिष्ठ नेता है, एक अच्छे नेता है। हमें अभी भी फैसला लेना है कि हमें उनका समर्थन करना है या नहीं। अगर वह दोनों पदों पर बने रहना चाहते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। क्या कांग्रेस का प्रमुख होना पार्ट टाइम जॉब है? क्या सीएम एक पार्ट टाइम जॉब है? आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं वह 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा और 19 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल अध्यक्ष पद चुनाव की रेस में अशोक गहलोत और शशि थरूर चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। इनमें से कौन बाजी मारता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।